पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर का आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया होगा, ओके चेक कर लो ह्यूमन स्किन कलर में, अगर जिसने नहीं किया है। ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, an example of polygenic inheritance, okay? मतलब more than one gene involved होते हैं एक character के लिए। तो जब more than one gene एक साथ में present रहेंगे एक character के लिए, तब हम उनको pair के form में consider करेंगे, okay? तो human skin color के लिए three genes इन्वॉल्व होते हैं, ओके? तो थ्री जीन्स रिस्पांसिबल है ह्यूमन स्किन कलर बनाने के लिए। तो थ्री जीन्स को एक साथ में बोलेंगे थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स। थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स इसका मतलब सिक्स जीन्स नहीं है, ओके? तो आज की बात बंद कर देना पीछे का, वो वापस कर देना। ये भी बंद कर दो। इसे ऑन कर दिया है, तो इसका सब ह्यूमन स्किन कलर के लिए थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हम कहेंगे थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स, ओके? और उनको हम असाइन कर देंगे ए बी सी लेटर्स, ओके? तो ए बी सी हमने कंसीडर कर लिया उनको। आपको पता है कि जीन एक सिंगल लेटर से हम रिप्रेजेंट नहीं करते, अलील की पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। अलीलोमॉर्फिक पेयर को हम जीन कहते हैं। तो अलील की पेयर मतलब इसके दो वेरियंट लिखेंगे, फिर वो होमोजाइगस ए, हेटरोजाइगस ए या रिसेसिव वाला ए स्मॉल ए स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, बी के लिए भी सेम और सी के लिए भी सेम, ओके? तो थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स रिस्पांसिबल। तो कैपिटल ए ए, कैपिटल बी बी, कैपिटल सी सी हम मेंडल की रेसा क्रॉस करेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवा रहे हैं, ओके? अब होमोजाइगस डोमिनेंट तीनों जीन के लिए जो है वो 100% पिगमेंट बनाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है और यहां पर क्वांटिटी मैटर करेगी, ओके? क्वांटिटी मैटर करेगी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है तो क्वांटिटी मैटर करेगी। क्वांटिटी मतलब अलील्स का नंबर यहां पर मैटर करेगा, ओके? तो डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स दोनों यहां पर अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो हमें इसलिए कितने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और कितने रिसेसिव एलील प्रेजेंट है उसके बेसिस पर फिनोटाइप बनेगा, ओके? हाउ मेनी डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स आर देयर, ओके, इन जीनोटाइप, वो हमें पता करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर फिनोटाइप होगा। क्लियर? तो यहां पर टोटल एलील्स का नंबर कितना है? 3 एलील्स, 6 हुआ ना, जीन 3 है, लेकिन जीन को हम एलील की पेयर से दो एलील से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल कितने एलील्स हो गए? 6 एलील्स है यहां पर। तो 6 एलील्स के लिए कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के? तो ऑल 6 डोमिनेंट बन सकता है, ठीक है, 0 रिसेसिव पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है 5 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, देन 4 डोमिनेंट 2 रिसेसिव, नेक्स्ट 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, नेक्स्ट 2 डोमिनेंट 4 रिसेसिव, गुड, एंड लास्ट और नेक्स्ट 1 डोमिनेंट 5 रिसेसिव। और भी बन सकता है 0 और 6 रिसेसिव, गुड। तो ऑल 6 डोमिनेंट से ऑल 6 ऑल डोमिनेंस या ऑल रिसेसिव एलील्स तक आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जितने भी एलील्स होंगे प्लस 1 बनेंगे कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखना। जैसे यहां पर कितने एलील्स हैं? 6 एलील्स हैं, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 6 प्लस 1। सर कोई वेटिंग में? ओके बेटा, ठीक है। तो
जितने एलील्स यहां पर होंगे प्लस वन बोलोगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मतलब फिर फिनोटाइप बन जाएंगे। क्लियर? या तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं या फिर आपको एक फॉर्मूला बताया था कल 2x+1 ओके 2x+1 वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स ओके नंबर ऑफ एलील्स सॉरी नंबर ऑफ जीन्स सॉरी नंबर ऑफ जीन्स पेयर्स ऑफ जीन्स ओके x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ जीन्स पॉलीजीन में पेयर्स ऑफ जीन्स बोल देते एक साथ में प्रेजेंट कितने जीन्स हमने लिए यहां पर 3 पेयर्स 3 x की वैल्यू 3 हो जाएगी 2 3 जा 6 प्लस 1 7 इसलिए 7 हो रहा दोनों तरीके में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप ओके क्लियर अगर आपको बोला गया कि यहां पर 8 एलील्स है 4 पेयर्स ऑफ जीन्स है तो कितने फिनोटाइप बन सकते हैं या तो आप करो 2 4 जा 8 प्लस 1 9 या फिर 4 जीन्स है तो 8 एलील्स होंगे प्लस 1 कर दो 9 तो फिनोटाइप का नंबर आ जाएगा क्लियर है बेटा सबको ओके ऑनलाइन में भी सबको कब क्लियर है यस सर ओके इससे पता चल जाता है कि वॉइस बराबर जा रही है नहीं जा रही तो 9 वहां पर हो जाएंगे अगर 4 जीन्स लेंगे हम 4 पेयर तो 3 ले रहे हैं तो वहां पर वैसे हमने कल लिए थे 2 पेयर्स ऑफ जीन्स व्हीट कर्नल कलर के लिए व्हीट के सीड के लिए तो फिर 2 पेयर्स ऑफ जीन्स है तो कितने हो जाएंगे फिनोटाइप्स 5 2 2 जा 4 प्लस 1 5 करो या फिर 2 जीन्स है मतलब 4 एलील्स है 4 एलील्स में 8 कर दो 5 ओके सिंपल सा क्वेश्चन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि वहां पर एलील फिनोटाइप का नंबर कितना है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहां पर पूछता है जैसे हमने मल्टीपल एलीलिज्म पढ़ा था मल्टीपल एलीलिज्म में नंबर ऑफ वहां पर जीनोटाइप्स पूछता है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स उसके लिए हमने पढ़ा था एक फार्मूला x2 + x/2 ओके उसके बेसिस पर तो अब यहां पर हम पहले जीनोटाइप आपको पता चल गया ये जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा वो देख लो आपके पास में जीनोटाइप है आपने ले लिया होमोजाइगस डोमिनेंट ऑल के लिए होमोजाइगस रिसेसिव ऑल के लिए उनका क्रॉस करवा रहे हैं आप मेंडल जैसा क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों मेंडल जैसा ही परफॉर्म करेंगे और मेंडल से कहां-कहां डिविएट हो रहा है वो एक्सप्लेन करेंगे तो पहला डिविएशन हो गया मेंडल से more than one genes एक character के लिए responsible है जबकि Mendel के according एक unit factor एक character के लिए था okay अब यहाँ पर क्या हो गया एक character के लिए many genes है more than one genes पहला deviation हो गया अब next वहाँ पर देखते जाएंगे तो genotype phenotype मतलब ये कौन सा वहाँ पर expression करेंगे तो skin का color है तो कौन सा color express करेंगे तो ये एक्सप्रेस करेगा प्योर ब्लैक क्योंकि ऑल डोमिनेंट वाला पूरी 100% एक्सप्रेस करेगा अपने आप को और ह्यूमन स्किन कलर होता है मेलानिन के कारण मतलब ये मेलानिन बनाने वाले जीन्स है टायरोसिन से टायरोसिनेसेस 1 2 3 एंजाइम्स मिलकर के मेलानिन बनाएंगे तो तीनों तीनों डोमिनेंट है तो तीनों 100% मेलानिन बनेंगे 100% मेलानिन बनेगा तो उस ह्यूमन बीइंग की स्किन पूरी प्योर ब्लैक हो जाएगा ओके तो उसको बोलेंगे प्योर ब्लैक डार्क रहेगा पूरा या फिर इसको पहले बोलते थे निग्रो ओके निग्रो सेकंड ऑल रेसेसिव फिनोटाइप के लिए हम यहां पर बोलेंगे इसका फिनोटाइप हो जाएगा प्योर व्हाइट यस वेरी गुड प्योर व्हाइट मतलब जिसमें कोई स्किन कलर नहीं होगा मेलानिन होगा ही नहीं ओके तो उसकी पूरी बॉडी में मेलानिन नहीं बन रहा है स्किन में पूरा मेलानिन नहीं बन रहा है इवन उसके हेयर में भी वहां पर पिगमेंटेशन नहीं होगा तो प्योर व्हाइट मतलब ऐसे को बोलते हैं एल्बिनो ओके एल्बिनो इनका क्रॉस करवाना तो सबसे पहले क्रॉस करवाने के लिए गैमेट चाहिए क्योंकि गैमेट के फ्यूजन से प्रोजेनी बनेगी गैमेट फ्यूज नहीं होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगी गैमेट फ्यूज होते हैं तभी जायगोट बनेगा नेक्स्ट के लिए तो गैमेट्स बना लेते हैं गैमेट्स बनाने के लिए आपको पहले ही फार्मूला है आपके पास में 2 टू पावर n ओके वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स बार-बार याद किया कर उसको पढ़ते समय नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स ओके हर लेक्चर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको गैमेट्स बनाने के लिए उसको बार-बार रिप्लाई करो ताकि वो आपको स्ट्रांग बन जाए
आप जल्दी पुट फॉर हैंड नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन्स, इसमें कितने हेटरोजाइगस जीन्स है बेटा? जीरो जीरो, क्योंकि सभी होमोजाइगस है, तो 2 टू पावर 0 इट मींस 1, तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा ए बी और सी, क्योंकि गैमेट प्योर रहते हैं, हमने सेकंड लॉ पढ़ा था मेंडल का, गैमेट्स प्योर रहते हैं और इनका सेग्रीगेशन होता है इसलिए गैमेट प्योर होते हैं, तो एक जीन में से एक ही एलील आता है एक गैमेट में, तो जितने भी जीन प्रेजेंट हो गए यहां पर हमने तीन जीन कंसीडर किए हैं, तो तीन ही एलील आएंगे और हर एक का अलग अलग एलील आएगा, हर एक जीन का एक एक ही एलील आएगा, ठीक है? तो ये क्या पहले ऐसे यहां पर स्मॉल एबीसी बनेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस है, हेटरोजाइगस एब्सेंट है, तो जीरो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन्स कितना हो गया? जीरो, 2 टू पावर 0 इट मींस आंसर हुआ 1 आ गया, तो ये बन गया गैप। अब हम क्रॉस फ्यूजन यहां पर होगा, क्या बनेगा बेटा? अब ये बनेगी अपर जनरेशन, अपर जनरेशन का फिर जाइगोट बनेगा और उससे फिर प्रोजेक्ट बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटलाइज्ड और आरएनए, यस कैपिटल पी स्मॉल पी, यस कैपिटल सी स्मॉल सी, ओके ये बन गया यहां पर जाइगोट, ओके जाइगोट 2n रहता है, हैप्लॉइड रहते हैं गैमेट्स एंड फ्यूज होकर फिर 2m बन गया, और जिस जीन के लिए हम पेयर जब बनाते हैं एलील के पेयर, तो डोमिनेंट को पहले लिखते हैं रिसेसिव को बाद में लिखते हैं अगर हेटरोजाइगस है, और दोनों को साथ में लिखेंगे, एक जीन के एलील को साथ में लिखेंगे हमेशा, तो ये बन गया हमारे पास में ट्राई हाइब्रिड, तीनों कैरेक्टर के लिए हेटरोजीनस है हाइब्रिड। मेंडल के अकॉर्डिंग ये अगर प्योर ब्लैक है, ब्लैक दिख रहा है ये डोमिनेंट है, जब ये जाइगोट डेवलप होगा और ये पूरा वहां पर ग्रो करेगा, बेबी इन्फेंट डिलीवर होगा, इसकी बॉडी में जब हम पिगमेंटेशन देखेंगे तो इसके जितना नहीं है, ओके इससे कम है, और इसको हम बोलेंगे मुलाटो, मतलब ये सांवला होगा, ओके यस यस बेटा, सर वेटिंग में है कोई? हाँ बेटा एंटर करवा दिया, क्लियर बेटा? तो मुलाटो मतलब सांवले बनेंगे यहाँ पर जो एफ1 प्रोजेनी है वो, तो ऐसा क्यों हुआ? तो हमने कहा कि ये था ऑल सिक्स डोमिनेंट, इसलिए ये बना ऑल सिक्स डोमिनेंट है, ये बना प्योर ब्लैक निग्रो, लेकिन अब ये जो बना है F1 प्रोजेनी, ये F1 प्रोजेनी कैसा है बेटा? तीन जीन्स के लिए हेटरोजाइगस है, ओके थ्री डोमिनेंट एलील है और थ्री रिसेसिव एलील है, ये कॉम्बिनेशन बना, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का नंबर मैटर करता है दोनों को, यहाँ पर जीन डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो वो मैटर नहीं करेगा, एलील का नंबर, इसलिए ये इसके जैसा नहीं बन पाएगा, ओके तीन ही डोमिनेंट एलील है, 50% एक्सप्रेशन होगा, 50% एक्सप्रेशन नहीं होगा उस कैरेक्टर का, इसलिए ये मुलाटो बन रहा है, सांवला बन रहा है, क्लियर बेटा सबको? ओके तो जैसे ही हमने यहां पर कहा कि ये हेटरोजाइगस बन गया, तो F1 में हमको मिले सभी मुलाटोस, क्लियर है? जो यहां पर कैरेक्टर नहीं था, तो मेंडल से नया यहां पर डिविएशन हो गया। अब आप मेंडल जैसे F2 जनरेशन तक जाता था, तो F2 जनरेशन तक हम देखेंगे, ओके तो कभी कभार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में यहां से पूछता है इफ टू मुलाटोज इंटरमैरी, ओके क्वेश्चन में पूछता है इफ टू मुलाटोज इंटरमैरी, ऐसा लिख देता है क्वेश्चन में, तो मतलब दो सांवलों का जो है वहां पर मैरिज हो रहा है, ओके उनकी प्रोजेनी कैसे बनेगी? तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मुलाटो आ गया है, इसका अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो जैसा हमारा रिजल्ट यहाँ पर सेल्फिंग का आएगा F2 जनरेशन का, तो वैसे ही वहां पर इफ टू मुलाटोज इंटरमैरी, ऐसा क्वेश्चन में लैंग्वेज अगर पूछ ले, ओके
तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको मोनैकोस, तो मोनैको के लिए जीनोटाइप है आपके पास में थ्री डोमिनेंट और थ्री रेसेसिव वाला, क्लियर। अभी मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, मानकापुर ब्रांच में भी ब्लॉकलाइन में भी यहाँ इसके बाद में उनको होमवर्क दे दिया था, ये आपको पहले से ही बोला था, लेकिन ठीक है। तो ये ओके, ये दोनों मोलेटोस है, फिनोटाइप हो गया मोलेटोस दोनों के लिए। आप इसके गैमेट्स निकालोगे, गैमेट्स कितने बनेंगे वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कितना है बेटा, हेटेरोजाइगस का नंबर कितना है, 3, तो 2 टू पावर 3 मतलब 8, तो 8 मेल गैमेट बनाओगे आप। ओके, पहले तो ऑल 3 डोमिनेंट एलील के, फिर ओके 3 डोमिनेंट एलील है इसमें, इसके बन जाएंगे। फिर एक एक एलील को आप रेसेसिव लोगे, एक बार ए को ले लिया, एक बार बी को ले लोगे रेसेसिव, एक बार सी को ले लोगे रेसेसिव, ओके क्लियर। फिर आप वहां पर दो दो को रेसेसिव ले लोगे, ओके ए और बी को रेसेसिव ले लिया, एक बार आपने ए और सी को रेसेसिव ले लिया, फिर एक बार बी और सी को रेसेसिव ले लिया, ठीक है, ऐसे आपको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी और सी को रेसेसिव ले लिया, ओके। फिर टू टू रेसेसिव वाले, अब तीनों रेसेसिव भी पॉसिबल है, तो स्मॉल ए बी सी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गैमेट इधर बन रहे, 8 गैमेट इधर भी बनेंगे सेम जीनोटाइप में, वैसे 8 गैमेट इधर, ओके। तो 8 गैमेट F1 जनरेशन में मेल गैमेट्स है F1 प्रोजेनी के, और फीमेल गैमेट्स 8 है, तो जाइगोट्स कितने बनेंगे, 64, वेरी गुड, ओके। क्योंकि F2 जनरेशन में जाइगोट्स का नंबर, प्रोजेनी का नंबर डिपेंड करता है how many male gametes and how many female gametes proper fuse होने वाले हैं F1 में, okay? तो male gametes, different type of male gametes का number into female gametes का number multiply कर देंगे दोनों को, 8 8 64, यहाँ पर 64 combination बनाना है आपको zygote के, checkered board बना करके 64 square वाला, 8 male gametes, okay? checkered board बनाओगे आप लोग, एक तरफ मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करोगे 8, ओके क्लियर, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करोगे 8 में 8 फीमेल गैमेट्स को, और इस तरह से आप फिर 64 चेकर बोर्ड बनाओ और उसमें लिखोगे वाला, और उसमें चेक करोगे 6 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, ओके। इसका स्कीम कलर आप लाइट करते आओगे, और सबसे लाइट हो जाएगा फिर, ठीक है, एल्बिनो वाइट ऑल 6 रेसेसिव में प्योर वाइट, ओके क्लियर बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट, विजिबल है बेटा, प्रॉपर विजिबल है ना जो लिखा है वो, ओके आप लोग भी जल्दी से नोट कर लो बेटा, जो इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं, डन सर, ओके बेटा। आर्या बेटा आप क्लास पर नहीं आए आज, सर एक्चुअली ना वो बारिश बहुत थी तो, और मम्मी का भी ऑफिस था तो छोड़ने के लिए कोई नहीं था मुझे। ओके बेटा, नहीं आप परसों आए थे ना क्लास पर, इसलिए मैंने पूछा। यस सर, ओके बेटा, ओके चलो। तो इसके बाद में फिर कुछ एक दो क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद में आप हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ के एक्सेप्शन लिंकेज के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, if a cross is made between
If a cross is made between two pea plants, one is tall and having red flowers, while other is dark bearing white flowers. Homozygous, tall and red flower, bracket में लिख देना यहाँ पर ऐसा करना. Homozygous for both the characters. Okay? या फिर आप नीचे नोट भी जो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं जिन्होंने लिख लिया होगा वो नीचे भी क्वेश्चन के नीचे नोट लिख देना. Homozygous for both the characters. Okay? Homozygous. While other is dwarf having white flowers, then in F2 generation, forty-eight thousand seeds एक प्लांट से 48,000 सीड्स बोलेंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा पूरे की चीज. ओके, सिंगल प्लांट से फर्टिलाइजेशन से 48,000 सीड्स बोल 480 सीड्स were obtained. Okay, over 80 seeds were obtained. Okay, so total kidney seeds obtained with the over 80 seeds. Okay, calculate the number of seeds having capital T small t, capital R small r genotypes. Okay. Number A लिख देना इसको. Number one capital T और number two लिखवाना है आपको having dot plant. Dot plant with homozygous red flowers. दो questions है इसे. Okay, first आपको निकालना है genotype capital T small t capital R small r कितना मिलेगा 480 seeds में. Okay, और फिर dot plant with homozygous red flower. एक छोटा सा clue आपको दे देता हूँ. डायहाइब्रिड क्रॉस करना है आपको, दो कैरेक्टर है. डायहाइब्रिड क्रॉस करोगे F2 जनरेशन ऑब्टेंड होगी. F2 जनरेशन में कितने आपको टोटल कितने प्रोजेनी मिलेंगे 16. ओके ना 16 मिलेंगे. 16 में से कितने आपको ये मिलेंगे आपको निकाल सकते हैं फिर 480 में से वो कितने हो जाएंगे वो आप निकाल. ठीक है, करो डायहाइब्रिड.
डेंशन यस बेटा सर आ गया यस सर बोला दे सर फर्स्ट वाले का 270 सेकंड वाले का 90 कितना फर्स्ट वाले का 270 और किसी का आंसर आया क्या और किसी का आंसर आया बेटा हिमांशु कुछ बोल रहे थे बेटा आप आंसर बता रहे क्या हेलो यस सर आप आंसर बता रहे थे क्या बेटा नहीं सर मैंने माइक ही चालू नहीं किया ओके बोल किसी स्टूडेंट की आवाज आई चलो देखो ओके सर यस आयुष बोल रहा सर सर फर्स्ट वाला 120 फर्स्ट वाला 120 120 सेकंड वाला 90 ओके चलो देख लीजिए जल्दी क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड के साथ में करने की कोशिश किया करो जल्दी से जब आपको क्वेश्चन का आंसर पूछा है ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं ओके जरूरी नहीं कि कैमरे बनाए जरूरी नहीं कि वहां पर ओके तो सबसे पहले क्या गिवन क्या है टू पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस होना पहला कार्ड के साथ टॉल एंड रेड प्लांट्स वाला तो फिनोटाइप दिया है तो आपको फिनोटाइप दे दिया है एक प्लांट है टॉल और उसमें रेड प्लांट्स है ठीक है और दूसरा प्लांट किसके साथ में क्रॉस हो रहा है डॉर
माई फुट आर वाला। ओके अब मैं यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ, आप वहां पर क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, तो आपको ये क्लियर है क्वेश्चन से। डॉट प्लांट है और व्हाइट फ्लावर से आप डायरेक्ट उसका जीनोटाइप लिख सकते हैं। ओके आप सीधा सेकंड स्टेप पर आ सकते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप लिखने के लिए टॉल होमोजाइगस और हेटरोजाइगस हो सकता है, रेड होमोजाइगस और हेटरोजाइगस हो सकता है डोमिनेंटली। इसलिए यहां पर इंफॉर्मेशन दी है कि वो दोनों कैरेक्टर लिख के लिए कैसा है, होमोजाइगस। होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस रेड, आर रेड का आर लेटर ले लिया हमने। ओके क्लियर, तो ये बन गया टाइप इसके लिए होमोजाइगस। और डॉट रेसेसिव कैरेक्टर तो हमेशा होमोजाइगस ही होता है, वाइट भी रेसेसिव ट्रेट है, इसका जीनोटाइप आर। जीनोटाइप आ गया, नेक्स्ट स्टेप आप बनाते हैं गैमेट्स। होमोजाइगस है तो एक टाइप का बनेगा। ओके तो सीधा यहां पर आ जाओ, ठीक है। फिर क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके तो एफ1 प्रोजेनी आपके पास में आ गई। अब एफ2 में पूछा है मतलब एफ1 प्रोजेनी जो आई है उसमें आपको क्या करना है, सेल्फी करना। ओके जब तक आपको नहीं बोले कि एफ1 हाइब्रिड के साथ में इसका क्रॉस करके एफ2 बनाई। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि एफ2 इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉसिंग एफ1 हाइब्रिड विद कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, तो फिर आपको तब एफ1 हाइब्रिड का जो दिया है जीनोटाइप उसके साथ क्रॉस करना पड़ता क्वेश्चन में। जब नहीं दिया है तो जो एफ1 हाइब्रिड ऑब्टेन होगा उसका सेल्फिंग करना पड़ेगा एफ2 के। सेल्फिंग करेंगे मतलब सेम जीनोटाइप के साथ में क्रॉस करेंगे, ये सेल्फिंग। ओके अब ये दोनों जीन के लिए हेटरोजाइगस हो गया तो कितने गैमेट्स बनेंगे यहां पर, फोर टाइप के। ओके ये दोनों के लिए वो इधर भी 4 4 4 16 एफ2 जनरेशन में 16 जायगोट बनने वाले हैं। 16 जायगोट 16 एम्ब्रियो बनाएंगे और 16 एम्ब्रियो 16 सेल 16 सीड्स के अंदर होंगे। तो यहां पर तो हमको तो 16 का ही आंसर आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली को आपको सीड कितनी बन रही है 482। हम 16 में कैरेक्टर कितने वो निकाल लेंगे, देन 480 में कितने हो सकते हैं उसके बेसिस पर वहां पर हम निकाल लेंगे। फॉर 16 जायगोट कैसे बनेंगे इसके लिए आपको यहाँ पर जीनोटाइप भी पूछा है। ये वाला जीनोटाइप आपके पास में गैमेट्स है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके इसके पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी यस गुड और स्मॉल आर, ठीक है। सेम जीनोटाइप है फीमेल के लिए भी, इसलिए सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ओके और इस तरह से 16 चेकर बोर्ड्स आपको बना लेना है। अब आपको चेकर बोर्ड में सभी का जीनोटाइप लिखने की सभी का जीनोटाइप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो क्वेश्चन में पूछा उसको देखते जाओ। तो फर्स्ट पूछा है ये कितनी बार बनेगा, तो ये कैसे बन सकता है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कहां बन सकता है, यहां पर नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां पर कैपिटल आर बन जाएंगे, यहां पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और आपको पता है कि जो भी हाइब्रिड होता है वो डायगोनली बनता है, तो यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछा उसका जल्दी से आंसर लाने के लिए आपने जो ऑब्जर्व किया है क्वेश्चंस में उन ऑब्जर्वेशन को यूज किया करो बार बार। जितने बार बार क्वेश्चंस करते जाओगे बार बार रिपीट करते जाओगे प्रोसेस एग्जाम्पल लेकर के उतना आपको वहां पर प्रॉपर ऑब्जर्व होगा कि आपको उसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो डायगोनली मिलते हैं डायहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड होगा, जितने भी जीन्स हैं उनके सभी जीन्स के लिए हाइब्रिड अगर चाहिए सभी जीन्स के लिए, जैसे यहाँ पर दो जीन्स थे तो दोनों जीन्स के लिए हाइब्रिड डायहाइब्रिड। और थ्री जीन्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्रॉस बोला ह्यूमन स्किन कलर का, उसका भी डायगोनली मिलेगा तीनों के लिए। ओके कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो 64 में वो डायगोनल मिलेंगे तो 8 मिलेंगे, 16 में डायगोनल मिलेगा तो मतलब 4 मिलेंगे। कितने मिल रहे हैं 16 में से 4, 16 में से 4 मतलब 25% 16 में से 4 मिल रहे हैं। ओके कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 16 में से 4 मिल रहे हैं। ओके तो 480 में से हाउ मेनी, ओके सेकंड फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन
ओके फोर्थ वाली क्वाड्रेंट निकालिए तो और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करो और सेकंड वाले x is equal to 480 into 4 divided by 16, 4 4 is 16 or 120. So, ये वाला आंसर वहाँ पर होना चाहिए बस 120. ओके, क्लियर? क्योंकि साथ में स्पीड भी होना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करके स्पीड होना चाहिए ताकि आपका टाइम लिमिट में आंसर आ सके. फर्स्ट इसका आंसर हो गया 120. आप देखोगे 120 यहाँ पर ये मेरे के 480 में से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल क्लियर इतना. ठीक है अब सेकंड को देखते हैं. सेकंड पूछा है डॉट प्लांट हैविंग होमोजाइगस रेड फ्लावर. तो डॉट प्लांट, तो डॉट प्लांट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल टी. होमोजाइगस रेड मतलब कैपिटल आर आर है. तो स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर कितने बन सकते हैं? तो स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ऐसे क्रॉस होंगे तभी ये बनने की प्रोबेबिलिटी. ओके, जो जीनोटाइप बनेगा प्रोजेनी का वो पेरेंट्स के गैमेट पर डिपेंड करेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स पर. तो मेल और फीमेल गैमेट्स अगर आपको नहीं पता है कि वहां पर वो कितने बन सकते हैं तो आप उसको देखो कि मेल और फीमेल गैमेट कौन कौन से वहां पर फ्यूज होकर के बना सकते हैं. तो स्मॉल टीटी के लिए दोनों के पास में एक एक गैमेट में स्मॉल टी आना चाहिए, कैपिटल आर आर है तो दोनों के पास में कैपिटल आर आना चाहिए. ओके, तो ये गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे तभी बनेगा. ये स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर चाहिए हमको और इधर भी स्मॉल टी कैपिटल आर ये और ये इस रो में यहाँ पर बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर. एक ही प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो 16 में से एक ही बन सकता है ऐसा. ओके, कोई दूसरा नहीं बना सकता क्योंकि दो एक ही डिफरेंट टाइप के लेंगे हम. तो स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर 16 में से वन बन रहा है. ओके, तो 16 में से 1 बन रहा है, 16 में से 1 बन रहा है स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर. तो 16 में से 1 है तो 480 में से हाउ मेनी? अगेन वही करोगे 1 इनटू 480 डिवाइडेड बाय 16 एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो 16 3 जा 48 तो 30 हो जाएगा आंसर. क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ठीक है, आपका आंसर 120 एंड 30. ओके, 120 सीव्स में आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और डॉट प्लांट में भी होमोजाइगस रेड फ्लावर ये मिलेगा आपको ओनली 30 सीव्स. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और किसी को कोई डिफिकल्टी होगी तो जल्दी से पूछ लो. डन? यस सर. ओके बेटा अपलोड कर दी. गो. चलो नेक्स्ट एडिट डालो बेटा लिंकेज. थर्ड लॉ के लिए एक्सेप्शन. हमने सेकंड लॉ के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ा है ना? सेकंड लॉ के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ा. सेकंड लॉ क्या था? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स प्योर होते हैं. ओके, तो जब हमने सेकंड लॉ के लिए एक्सेप्शन नहीं पढ़ा मतलब फर्स्ट लॉ के लिए एक्सेप्शन है. अभी हम लिंकेज पढ़ने वाले थर्ड लॉ के लिए एक्सेप्शन मतलब सेकंड लॉ के लिए एक्सेप्शन नहीं है. इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि मेंडल के लॉज में से कौन सा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या यूनिवर्सल लॉ है, ओके, तो इसका मतलब है कि उसका कोई एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है. ओके, कौन सा लॉ होगा? वो सेकंड लॉ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स.
नेक्स्ट सेटिंग डालो लिंकेज, लिंकेज का मीनिंग है नॉन रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, नॉन रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। ओके ये ठीक अपोजिट हो गया लॉ थर्ड लॉ मेंडल का जो था रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। ओके मेंडल के अकॉर्डिंग जीन्स या यूनिट फैक्टर्स जब एक से ज्यादा होते हैं तो रैंडमली जाते हैं, मतलब एक का डोमिनेंट अलग दूसरे के डोमिनेंट या रेसिस्टिव के साथ में। मेंडल के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसा है, ओके ऐसा है दो जीन्स है तो कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर भी जा सकता है, कैपिटल टी के साथ में स्मॉल आर भी जा सकता है। तो एक जीन के फर्स्ट जीन के डोमिनेंट एलील के साथ में एक सेकंड जीन का डोमिनेंट एलील या रिसेसिव एलील भी जा सकता है रिकॉर्ड गैमेट बनाने के लिए। फर्स्ट जीन के रिसेसिव एलील के साथ में सेकंड जीन का डोमिनेंट एलील भी जा सकता है या रिसेसिव एलील भी जा सकता है। ओके क्लियर, इसलिए यहां पर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स यहां पर बन रहे थे। तो जीन्स रैंडमली असॉर्ट होते हैं, ओके तो उनका सेग्रीगेशन होता है तो डोमिनेंट एलील एक जीन का डोमिनेंट एलील के साथ में दूसरे जीन का डोमिनेंट या रिसेसिव भी जा सकता है। ओके इसको बोलते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स जो मेंडल का थर्ड लॉ था, इसके कारण ये दो जीन्स के लिए अपर फोर टाइप के डिफरेंट गैमेट्स बन पा रहे हैं। बट अगर लिंकेज हुआ तो ऐसा नहीं होगा, लिंकेज को हम कहते हैं नॉन रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, मतलब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे हैं, रैंडमली असॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके ये नॉन रैंडम क्योंकि लिंक, लिंक मतलब बॉन्ड, ओके लिंकेज मतलब एक तरह की बॉन्डिंग अटैचमेंट बॉन्डिंग उसको बोलते हैं लिंकेज। ओके लिंक्ड है मतलब बॉन्डेड है। तो इस लिंकेज फिनोमेनन की डिस्कवरी linkage phenomenon was discovered by T.H. Morgan, okay Thomas Hunt Morgan pura naam hai uska likhna hai Thomas Hunt Morgan T.H. Morgan term linkage was also coined by aapko kabhi bar किसने डिस्कवर किया ये भी पूछते हैं या फिर लिंकेज ये टर्म किसने दी थी पहली बार नॉन रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स बिहेवियर के लिए। लिंकेज टर्म वाज कॉइन्ड बाय आल्सो टीएच मॉर्गन। ओके और टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स रिफर करते हैं, father of experimental genetics, okay father of genetics पूछ रहा तो हम mendel को refer करेंगे, father of experimental genetics पूछ रहा तो T.H. Morgan को आप represent करो। इसने drosophila पर many different genetic experiments किए और उनमें से एक experiment के basis पर उसने दो process किए और एक एक्सपेरिमेंट करते समय जो दो डिफरेंट प्रोसेस किए उसके बेसिस पर उसने लिंकेज होता है ये प्रूव किया। फर्स्ट इसने कौन सा जेनेटिक मटेरियल यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, जेनेटिक मटेरियल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ओके ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई नाम देते हैं, फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट है एक, ओके आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो राइपन फ्रूट्स के ऊपर आसानी से ग्रो कर सकता है, राइपनिंग
जब चल रही किसी फ्रूट के उसके आसपास में जल्दी मिल सकता है। Communicate. That means if dihybrid अगर कोई है या trihybrid है, मतलब more than one genes अगर वहाँ पर present है और उसमें एक dominant allele के साथ में dominant allele ही जा रहा है दूसरे जीन का, recessive नहीं जा पा रहा है, या recessive allele के साथ में first जीन के recessive allele के साथ में only वहाँ पर recessive allele ही जा पा रहा है। इसलिए हमने फिर से example ले लिया। ओके, और हम कह रहे कि P and R इन दोनों जीन्स में लिंकेज है, P and R जीन्स आर लिंक्ड। इसका मतलब है कि डोमिनेंट टी अलील के साथ में, टी जीन का डोमिनेंट अलील के साथ में आर जीन का भी डोमिनेंट अलील ही जाएगा, ओके, और रेसेसिव के साथ में रेसेसिव भी जाएगा, एक के डोमिनेंट के साथ में दूसरे का रेसेसिव नहीं जा पाएगा, ओके, क्योंकि यहां पर हमने लिया कि वो क्या है, लिंक्ड है। लिंक्ड है मतलब रैंडमली असॉर्ट नहीं होंगे, फ्रीली नहीं जा पाएंगे, बॉन्डेड है, ओके, बॉन्डेड है। अब वो जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, तो नहीं जाएंगे, ओके, यस। तो इसलिए अगर ऐसा केस मिलता है कि डोमिनेंट वहां पर फोर गैमेट्स बनना चाहिए थे लेकिन बन रहे ओनली टू डिफरेंट टाइप, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए थे, इसके 2 टू पावर n मतलब टू डिफरेंट हेटेरोजाइगस जीन्स है, तो 2 टू पावर 2 मतलब 4, 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनना चाहिए थे, लेकिन अगर ये 2 ही बन रहे हैं, 2 ही डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल r पॉसिबल नहीं है यहां पर बनना प्रैक्टिकली, ओके, और स्मॉल t कैपिटल r नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि ये यहां पर लिंकेज है, ओके, ये आपको समझ आ गया। अब लिंकेज दो टाइप का होता है बेटा, टाइप हम लिख देते हैं, एक लिंकेज के एक्सपेरिमेंट कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो लिंकेज टू टाइप्स का होगा, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज कंप्लीट लिंकेज का मतलब रिकॉम्बिनेंट्स का प्रपोर्शन 0% होगा और निग्लिजिएबल होगा, ओके, तो रिकॉम्बिनेंट्स जो बनेंगे या तो वो नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ही नहीं या फिर वहां पर प्रपोर्शन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, ये जीनोटाइप है और इससे ऐसे इंडिविजुअल हमने कितने लिए, अगर 1000 इंडिविजुअल लिए, हर इंडिविजुअल ऐसे गैमेट बनाएगा, ओके, और 1000 जो इंडिविजुअल बने उसमें 1000 के 1000 इंडिविजुअल से 2000 गैमेट्स बने, तो 2000 गैमेट्स में सभी 2000 इसी तरह के बने तो ये कंप्लीट लिंकेज होगा, दो ही टाइप के बने, फोर टाइप के नहीं बने, ठीक है, 1000 ये 1000 ये बने गैमेट्स, ठीक है, 1000 इंडिविजुअल है, एक से कितने गैमेट पॉसिबल है, वापस 4, लेकिन लिंकेज के बन रहे होंगे 2 टाइप के, तो 2000 बने, ठीक है, और 2000 में से 1000 ये बने और ये 1000 बने, क्लियर। लेकिन अगर हमने कहा कि तब ये कंप्लीट लिंकेज हो गया, लेकिन अगर ऐसा कहा कि 1000 इंडिविजुअल में से जो 2000 गैमेट्स बने, 2000 में से 990 ये बने, 995 ये बने, इधर से 10 बच गए, वो 10 यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर बने और 5 जो बच गए वो कैपिटल टी स्मॉल आर बने, ठीक है, तो 1000 में 10 मतलब 100 में 1, ठीक है, तो निकलीजिए बने 1% 2% को हम निकलीजिए बन कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ओके, तो अगर ऐसे बन जाते हैं 1000 में 10 बन रहा है, 100 में 1-2 बन रहा है, ठीक
ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये पैरेंटल टाइप। ओके, तो पैरेंटल टाइप का नंबर 100% और अबाउट 100%, ठीक है, 100% के आसपास बनेगा, ठीक है। और जब रिकॉम्बिनेंट मतलब जो बनना चाहिए थे यहाँ पर, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स फॉलो होता तो ये भी बनते साथ में, चार बनते इसके। ये अगर बहुत ही कम नंबर्स में बने या नहीं बने तो उस कंडीशन में बोलेंगे देयर इज कंप्लीट लिंकेज। दूसरा टाइप का है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है लिंकेज तो है लेकिन प्रॉपर लिंकेज नहीं है, राइट लिंकेज नहीं है। ओके, फॉर्म लिंकेज नहीं है वहां पर, वीक है लिंकेज। तो चारों बने, और अगर चारों में अब जो 2000 गैगेट बनने वाले हैं समझ लो, ओके 1000 ये है, इससे 2000 बनने वाले गैगेट, 2000 में से अगर ये बने 550, ओके ये बने 550, ये बने 450, ये बना 620, यार, और ये बना 380, ओके 620 प्लस 380 कर लिया तो हो जाएगा 1000, 550 प्लस 450 कर लिया तो ये बन जाएगा 1000, ओके यार, ये 2000 हो गए पूरे गैमेट्स। 2000 गैमेट्स बनने वाले हैं, 2000 में से अब ऐसे बन रहे कि हम किसी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके लेकिन ये 25% बने क्या? नहीं, 25% तक बनते जब ये सभी चारों 500 के आसपास होते, ये 380 है, ये 450 है, ये 620 है, ये 550 है, प्रोपोर्शन अलग है। तो जब पैरेंटल टाइप मतलब ये बन रहे हैं, ओके पैरेंटल टाइप More than 50% but not 100%, ठीक है 50% से ज्यादा बनेंगे तो देखो 550 और 620 कितना बन गया, 2000 का 50% होता 1000, ये बन रहे कितने 1170, ये 1000 बनना चाहिए थे और ये भी 1000 बनना चाहिए थे, ठीक है ये कितने बन रहे हैं 1170 बन रही है जबकि तो 1000 बनना चाहिए था, और ये कितने बन रहे हैं, इनको 1000 बनना चाहिए था, ये कितने बन रहे हैं, ये बन रहे 830, ठीक है 50% से कम हो गए रिकॉम्बिनेंट, ये 50% से ज्यादा हो गए, तो 50% से ज्यादा बट नॉट 100% पैरेंटल टाइप, और रिकॉम्बिनेंट टाइप less than 50% but not zero, zero नहीं होंगे, पहले example में zero दिखाता हूँ, okay जब वो zero नहीं रहेंगे, negligible नहीं रहेंगे, कुछ proportion में बन रहे, 1000 में से मतलब 2000 में से 830 बन रहे हैं, 830, okay 2000 में से 830, तो 1000 में से कितने हो गए, just half कर दो इसका 415, ओके 415 मतलब 100 में 41.5 को निकलेक्ट कर सकते हैं क्या, है ना आपको पहले ही बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते समय 40% से ज्यादा भी तो पास भी हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उसको निकलेक्ट कर सकते हैं क्या, है ना ठीक है, तो इसके लिए 41.5% को निकलेक्ट नहीं कर सकते, 50% से कम है लेकिन जीरो नहीं है, ओके तो उस लिंकेज को ऐसे रिजल्ट में मिलेंगे, तो उस लिंकेज को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, इसको क्रॉस के फॉर्म में करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्रॉस के फॉर्म में पढ़ेंगे, ओके बेटा चलो बाय, टेक केयर, जस्ट स्क्रीनशॉट कृति मां अभी आ रही है क्लास में, ओके बेटा बाय, साइड आ जाइए ना सर सर, ओके बेटा जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट।
थैंक यू सर। ओके बेटा चलो बाय बाय सर बाय बेटा।